नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के लगभग 9 साल से भी ज्यादा पूरे हो चुके हैं। लगभग समय जो है 10 साल को पार करने वाला है। ऐसे में अब ये देखना है कि पिछले 9 सालों के दौरान भारत सरकार यानी कि मौजूदा सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां पाई है। आज हम जो मिलने वाले हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी से, इनसे जानेंगे कि सर इस मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण चेहरा, अगर मैं कहूँ आपका भी एक महत्वपूर्ण रोल है, किस तरह से आप देखते हैं कृषि के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पिछले 9 सालों को। नमस्कार, पहले तो मैं डीडी किसान चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसानों की गतिविधियों में भारत सरकार का क्या योगदान है ऐसे महत्वपूर्ण विषय को उजागर करने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपकी डीडी किसान को धन्यवाद देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश और दुनिया में जिनकी बहुत चर्चाएं हैं, ऐसे कई विषय हैं, इस पर आप 30 मिनट नहीं, आप 30 घंटा बोल सकते हैं, इतना लंबा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्षेत्र और उनका विस्तार है। मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर बात करूं तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कृषि नीति जो हमारी थी इसमें मूलभूत परिवर्तन करने का काम किया जी। अभी तक की हमारी जो सरकारें थी उन्होंने भी कृषि में काम बहुत किए और प्रोडक्शन पे उनका फोकस रहता था, हमारा उत्पादन बढ़े उसी पर हमारा सारा नीतियां बनती रहती थी जी। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने जिन्होंने उत्पादकता के साथ आय को जोड़ा जी। और उन्होंने ये बोला कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे हम। और आज तो ऐसी भी स्थिति कई कई चीजों में आ गई है कि वो समझो कि प्रधानमंत्री जी ने ये हमारे मोटे अनाज को इतना प्रमोट किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के घर पे बनने वाली रसोई में भी हमारे बाजरे की रोटी पहुंच गई, श्री अन्न व्हाइट हाउस में पहुंच गया। और इसकी इतनी ख्याति हुई कि देश के मोटे अनाज को दुनिया के फोरम पर मिलेट ईयर के रूप में मनाया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यूनो ने इनको मिलेट ईयर को मान्यता दिया और पूरे विश्व में मिलेट का क्या महत्व है, भोजन में इनकी क्या उपयोगिता है और इसी को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं और इसको श्री अन्न जैसा सुंदर नाम मिला। मैं अभी आपको एक किसान के नाते बता सकता हूँ, उसमें हमारे अमरेली डिस्ट्रिक्ट के बाजरा जो है बाबरकोट का, कभी कभी प्रधानमंत्री जी ने भी इनका जिक्र किया था, तो वो आज मिलता ही नहीं है, ऐसा हो गया, ऐसे मार्केट में इसको MSP पे बेचने की नौबत ही नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से आय को बढ़ाने के बहुत महत्वपूर्ण कदम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए। और मैं ये भी साथ में जोड़ देना चाहता हूँ कि किसानों की आय को लेकर प्रधानमंत्री जी के मन में बिल्कुल साफ रास्ता था कि वो अकेले एग्रीकल्चर से ये आय नहीं बढ़ेगी। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है, ये पशुपालन है वो एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो खेती पहले बैलों से ही होती थी और वो बैल हमें अपनी गाय से ही मिलते थे, तो हम गाय पालन करते थे, उनके बछड़े आते थे वो हमारे खेती में काम में आते थे, उसका दूध जो आता था वो हम खाते थे और हम इसका बिक्री भी करते थे, उसमें दूध माखन वगैरह करके ये भी हमारी एक साइड इनकम का हिस्सा बनता था। तो ये एलाइड सेक्टर भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, ये तीनों ऐसे सेक्टर थे जो भी किसानों की आय को लेकर बहुत बड़ा इनकी भूमिका रहती है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी सेक्टर को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का भी निर्णय लिया और इसको प्रमोट करने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया। और मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि इनका दायित्व भी मुझे मिला, इस डिपार्टमेंट को नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य भी मिला जी, तो मैं इसको लीड भी कर रहा हूँ, इसमें डिटेल में भी हम आगे बात करेंगे जी। मगर ये प्रधानमंत्री जी के फैसले से
जैसे आय को, किसानों की आय को नीतिगत जोड़ा गया, उसको MSP घोषित कर दिया गया, उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो उनके लिए बहुत डिसीजन लिए गए, और वहां तक कि मैं शॉर्ट में बताऊं वरना एग्रीकल्चर पे ही पूरा चला जाएगा जी, जी। कि नैनो फर्टिलाइजर जो हुआ, नैनो यूरिया, आप मानोगे कि ये विश्व की एग्रीकल्चर में क्रांति होने वाला सब्जेक्ट हो गया है। और इसके जरिए ये टेक्नोलॉजी के बड़े इंटरवेंशन से जो 50 किलो की यूरिया की बैग हम किसान कंधे पे लेकर जा सकते थे, ऐसी बैग को 500 ml में कन्वर्ट कर दिया जो हम जेब में लेकर जा सकते हैं। चलिए बिल्कुल। और ऐसे बड़े बड़े इंटरवेंशन करने से किसानों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लागत में कमी करने का हुआ, उसको MSP देकर उनकी आय को बढ़ाने का भी प्रयास किया, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए देश के पूरे मार्केटिंग यार्ड को मजबूती देने का बड़ा कार्यक्रम चलाया जी, गया जी। आप तो एनिमल हस्बेंड्री देख रहे हैं, डेयरी फार्मिंग देख रहे हैं, तो क्या इस क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों के, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी बीच में, जो सफलताएं हासिल की आपने आमदनी दोगुना करने की? मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूँ, और आपके माध्यम से हमारे देश के किसानों को और खास करके पशुपालकों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी के निर्णय से ये विभाग स्वतंत्र हुआ, विभाग स्वतंत्र होने से इन पर फोकस शुरू हुआ। और मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया में चल रहा है वो हमारे दूध उत्पादन का जो उनका ग्रोथ रेट है वो 2.5 से 3% का है वर्ल्ड का, जो मेरे देश का 6% से ऊपर का है जी। वो एक मेरा सेक्टर है, मतलब ये अपना दूध उत्पादन करने वाले पशुपालकों के लिए गौरव की बात है कि विश्व का जो औसतन वृद्धि दर है उनसे दोगुना वृद्धि दर से पिछले 9 साल से हमारा डेयरी उत्पादन बढ़ रहा है, और आज हम दुनिया का 24% मिल्क का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं जी, जी। हम विश्व का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश हैं, और मैं जब आपको ये बता देता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करते हैं, इससे ज़्यादा मैं थोड़ी बारीकी बताना चाहूँगा कि दुनिया में आज हमारा जो औसतन उपलब्धि है पर कैपिटा, वो आज हमारी वर्ल्ड की उपलब्धि से 100 ग्राम ज़्यादा है। तो ये भी कब की है कि हमारा देश तो 140 करोड़ की आबादी वाला है, उसके बाद हमारी इंडिविजुअल पर कैपिटा उपलब्धि जो है, उपलब्धता वो दुनिया में सबसे ज्यादा है और वर्ल्ड एवरेज से वो भी ज्यादा है। तो ये बात वास्तव में भारत के लिए, भारत के पशुपालकों के लिए गौरवपूर्ण बात है। और दूसरा मैं बता दूं कि आज अकेले दूध का मूल्य 10 लाख करोड़ है, जो हमारी तीनों फसलों को मिलाकर भी नहीं होता जी। एक अकेला दूध का हमारा उत्पादन जो हो रहा है उसका मूल्य 10 लाख करोड़ रुपया है, और हमारे डेयरियों के कारण और डेयरियों को प्रोत्साहित करने के कारण इस सेक्टर में बहुत ही वृद्धि हुई है, और हमारी जो योजनाएं चली इसके तहत हमारे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई, हमारे पशुपालन व्यवसाय में भी बढ़ोतरी आई है, और नई टेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रकल्प एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा हम लागू करने का प्रयास किया है जी। बिल्कुल, आपने पशुपालकों के बारे में बताया, तो पशु से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन मोदी सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, किस तरह से दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें, किसानों की आय की वृद्धि की बात करें, तो आपकी सरकार या आपकी क्या भूमिका रहती है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका प्रारंभ किया गया जी। उसके साथ गोकुल शब्द जोड़ा गया है तो वो कन्हैया के साथ अपने आप जुड़ जाता है, और श्री कृष्ण ने हमें गाय पालन का मार्ग प्रशस्त किया, खुद ने पालन करके देशवासियों को नहीं दुनिया के लोगों को बताया था कि गोपालन करो, उसी में आपके योग क्षेम वहाम्यम का जो उनका नारा है वो उसी से सार्थक होगा। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हमारे देशी गोवंश को संरक्षण देने का, उसको अपग्रेड करने का और उसकी वृद्धि करने का बहुत बड़ा अभियान
इस देश में चलाया जा रहा है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग चल रहा है, उसी को ब्रीड इम्प्रूवमेंट करने के लिए IVF जैसी टेक्नोलॉजी के प्रयोग भी किए जा रहे हैं। ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को मदद देने की योजना हम चला रहे हैं। और इन सारे प्रयोगों की वजह से ये जो पिछली जनगणना थी और 20 में दूसरी जो जनगणना अंतिम हुई उसी में करीबन 4.8 मतलब 5% की वृद्धि हमारे पशुओं में रजिस्टर की गई है। तो एक प्रकार से पशुओं की भी वृद्धि हो रही है, उसकी एवरेज उत्पादकता भी बढ़ रही है और इनके चलते हमारे देश के देशवासियों को जो न्यूट्रिशन डेफिसिट का इश्यू हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान पशुपालन क्षेत्र की ओर से हम लोगों को दे रहे हैं। आय के रूप में भी बढ़ोतरी हो रही है और इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जरिए आज पूरे देश में करीबन ऐसे 80 से ज़्यादा ब्रीडिंग फार्म हमने एस्टैब्लिश कर दिए हैं और जिसके जरिए वहाँ ब्रीड इम्प्रूवमेंट के काम को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अपने ही गोवंश के जो हमारी एवरेज उत्पादकता वाली कम है और नया नया टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन आ रहा है, अब एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है सेक्स सॉर्टेड सीमेन, और इसी को प्रयोग में लाने से गाय को बछड़ी ही आती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि अब खेती में बैल का उपयोग नहीं होने से यदि मेल काफ हो जाता है तो वो किसान को उपयोगी नहीं होता है, या तो वो इनको छोड़ देता है तो भी वो स्ट्रे एनिमल के रूप में भी समस्या खड़ी करता है और किसान को अपना एक लॉस हो जाता है एक प्रकार से। तो इसी की समस्या का अब समाधान टेक्नोलॉजी के जरिए जो मिला है, तो ये सेक्स सॉर्टेड के हम सीमेन को प्रयोग करवाने का कार्यक्रम चला रहे हैं और इसमें भारत सरकार की ओर से हम इनको सहायता भी दे रहे हैं। देश के किसानों को जानना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन मोदी जी ने नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई, इससे एक साल पूर्व देश के पशुओं के लिए, देश के मवेशियों के लिए वैक्सीनेशन का पूरे देश में भारत सरकार के खर्चे से प्रोग्राम चलाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उनके लिए 13,000 करोड़ रुपए की मातबर राशि का आवंटन भी किया और इसके चलते आज ब्रुसोलिसिस, PPR, ऐसे मुंह पका, खुरपका, इस प्रकार की जो बीमारियां पशुओं में आती थी और इनके कारण पशु भी परेशान रहते थे और पशुपालकों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, उसे निजात दिलाने के लिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के 100% खर्चे से राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम पूरे देश में चला रहे हैं और इनका भी एक कारण है जिसके कारण पशुपालकों की आय में बहुत ही अच्छी खासी तादाद में वृद्धि हो रही है। दूध उत्पादन जो बढ़ रहा है इसमें इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये एक निर्णय ये हुआ। दूसरा निर्णय एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये हुआ, मोबाइल वेटरनरी यूनिट, जो कभी आज़ादी के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था। हम नागरिकों को एम्बुलेंस बड़ी अच्छी लगती थी, 108 डायल करो, कहीं पे भी हो आपको अस्पताल तक पहुंचा देता है। वो अबोल पशु को ज़रूरत पहले थी मगर उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। तो करोड़ों अबोल पशुओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने 100% भारत सरकार के खर्चे से मोबाइल वेटरनरी यूनिट ये पूरे देश में देने का निर्णय किया और आज करीबन 2000 से ज़्यादा मोबाइल वेटरनरी यूनिट ऑन रोड है और 1962 इनके लिए नंबर है। ये 108 डायल करने से अपनी एम्बुलेंस आती है, ऐसे 1962 करने से पशुओं की मोबाइल आपके घर आती है। अब पशुपालक को पशु को लेकर वहाँ नहीं जाना है, अब पशु का डॉक्टर, पशु चिकित्सक वो घर पे आ जाता है। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग पर और भी चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब जो हैं हमारे किसान भाई आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए।
नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। चौपाल चर्चा की टीम महाराष्ट्र के गांव में पहुंच गई है। आज इस तरक्की की तस्वीर में देखते हैं कि कितने किसान हमारे जुड़ पाए हैं, किस तरह से यहां किसान खेती करता है और किस तरह से राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ रहा है। आप भी हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। प्रधानमंत्री जी, आप जो 2000 दे रहे हो बहुत अच्छा है। बाहर ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन जो खेती में पैसा मिलता है वो बहुत बहुत सुकून देता है। फोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये जो हमारा उद्देश्य है वो इससे सफल होता है। महाराष्ट्र के अलग अलग गांव से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि भारत सरकार स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रही है। कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों के लिए, कृषि के क्षेत्र में और भी बहुत सारे काम को आगे लाने के लिए, आप इन स्टार्टअप को किस तरह से देखते हैं? ये स्टार्टअप शब्द तो पहले कहीं पूर्ति में भी देखने को नहीं मिलता था, जिसमें तो ही था ही नहीं। अच्छा, पहले तो वो क्या है वो भी किसी को पता नहीं था। 300-400 स्टार्टअप पूरे देश में कुल मिला के होते थे, इसी पर किसी की नज़र नहीं थी। आज बड़ी गौरव की बात है कि 1,00,000 स्टार्टअप आज काम पे लगे हुए हैं। यानी आपका कहने का मतलब 2014 के बाद ध्यान गया? 100% 2014 के बाद ध्यान में गया ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर फोकस किया। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी के 2-3 चीजें उनके कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। वो टेक्नोलॉजी से भी आदमी है, सो टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट करने के लिए भी ये स्टार्टअप पर उन्होंने बल दिया। दूसरा, वो युवाओं के ऊपर उनका बहुत बड़ा भरोसा है। देश के युवा पर उनकी, इसका आप किसी भी बात कभी भी सुनोगे तो उनको अपने देश के युवाओं के प्रति बहुत विश्वास है। तो ये युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिए और दोनों का संगम हो, ऐसा कार्यक्रम ही ये स्टार्टअप है। तो अभी 1,00,000 का फिगर स्टार्टअप की दुनिया ने पार कर दिया है और मैं मानता हूँ कि अभी तो यूनिकॉर्न के फिगर भी बढ़ रहे हैं उसी के जरिए। तो इसी में से एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री डेयरी सेक्टर में भी बहुत स्टार्टअप आ रहे हैं। डेयरी सेक्टर में अभी ये हो गया है ना कि गाय या भैंस को दोहने का काम कौन करेगा, मगर अभी इसको उसमें रुचि नहीं है, तो ये एक समस्या है। तो इसका संशोधन किसी स्टार्टअप वाले ने बहुत अच्छा कर दिया है। वो एक छोटा सा मिल्किंग मशीन लेकर, वो भी बाइक पे अर्ली मॉर्निंग निकलता है और आपके घर के सामने आके बेल दबाता है कि आपकी गाय को दोहने का टाइम हो गया है। तो वो मिल्किंग मशीन लेकर दूध निकाल के, आपको दूध चाहिए तो दूध दे देगा, वरना आपका दूध भी डेयरी में पहुंचा देगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इनका स्वागत करना है अपने घर पे और अपना गाय और भैंस का दोहने का हो गया। तो इसको हम सब्सिडाइज भी कर रहे हैं उस मिल्किंग के डिवाइस को और स्कूटर को भी। तो ऐसे युवान को एक काम भी मिलता है और पशुपालक का, हमारी बहन की मदद भी हो जाती है, उनको खुद से दूध निकालना नहीं पड़ता है जी। तो इस प्रकार से ये इस क्षेत्र में भी स्टार्टअप वालों ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया है। मैं ये छोटे से स्टार्टअप का जिक्र करना चाहूँगा और आपके जरिए आपके श्रोताओं को एक माहिती देना चाहता हूँ। आपको पता है सबसे कीमती दूध किसका है? थर पारकर होगा, गाय गिर का बोलोगे, ऐसा एट होगा, ऐसे सारे शब्द हो ना कि सबसे कीमती दूध आज की तारीख में डोंकी का मिल्क है। अच्छा। और अपने यहाँ नोएडा में ही पूजा कौल करके एक हमारी महिला है और नोएडा में ही है, तो उसने डोंकी के मिल्क को कलेक्ट करने का और उसमें से कई हर्ब्स और ये फेशियल वगैरह की चीज़ें वो बना रही है और मार्केटिंग कर रही है, और वो 1200 से 1300 रुपया लीटर दूध खरीदती है। जी जी, 1200 रुपया पर लीटर किसी दूध का भाव नहीं है। नहीं। और आप डोंकी को दूध देने वाला प्राणी भी हम तो नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं। तो एक बहुत नया एवेन्यू उसको मिल गया है और इस एक ऐसे प्राणी से इतना अच्छा प्रोडक्शन निकालना, तो ये हमारे स्टार्टअप की दुनिया की कमाल है जी। सीधा सा मतलब हो जाता है कि रूपाला जी, आत्मनिर्भर भारत
हाईटेक खेती करने वाला हमारा भारत और आज इतना आगे बढ़ गया है। आपने कई सारे स्टार्टअप का जिक्र किया और आपने सबसे महंगे दूध का भी यहाँ पर जिक्र किया कि डोंकी मिल्क, जो मुझे लगता है कि मेरे श्रोता जो है वो आज पहली बार सुन रहे हैं और वो ज़रूर सुनेंगे और हो सकता है आगे इस पर काम भी करें। लेकिन एक सवाल आपसे ये भी करेंगे कि 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुधन गणना में वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को भारत सरकार के प्रयास योगदान क्या है? एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी अभी हमारे मोदी जी की कई उपलब्धियाँ मार्केट में हैं, जैसे अभी एशियन गेम्स में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड मेडल लेके आ गए, तो वो टैलेंट तो भारत में था ही, ऐसा नहीं था कि ये पहले ये इस देश के युवान कमजोर थे, मगर उसको पॉलिसी सपोर्ट नहीं था। अब मैंने सुना था कि इसको कोई टिकट देने वाला नहीं था, इसको कोई कोचिंग में मदद नहीं हो रही थी, तो आज इन सारी व्यवस्थाओं का आमूल चूल परिवर्तन कर देने से आज हमारे युवा विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं। ऐसे ही ये जो हमारी वृद्धि हुई है और वो 5% की है, छोटी नहीं है, और वृद्धि हुई है संख्या में वृद्धि हुई है, ऐसे ही उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। और हमारी गाय की एवरेज थी 900 लीटर के आसपास सालाना, वो अब 1200 लीटर तक पहुंच गए हैं, और हमारे बफेलोज भी उसी में उन्होंने भी प्रगति किया। तो ये इंडिविजुअल वृद्धि भी बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ रही है, इसका वजह ही जो मैंने पहले जिक्र किया ना कि इनके छोटे छोटे जो इनके वो इनमें आते थे रोग सारे, और इसकी कोई सुविधा नहीं थी, तो ये अपना वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चला पूरे देश में, उसी के कारण ये पशुओं को उनके स्वास्थ्य लाभ हुआ, तो उसके कारण हमारे पशुपालकों के लॉस को भी हम कम करने में कामयाब रहे और उनकी आबादी बढ़ाने में। और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि ये कृत्रिम गर्भाधान के इस बड़े पैमाने पे व्यापक प्रयोग करने से एक तो निश्चित रूप से उनका अच्छा उसको मिलता है प्रोजेनी, और समय से होता है, साइंटिफिक वे में होता है, तो इन सारी नीतियों के कारण ये हमारी आबादी भी बढ़ी है और उसकी उत्पादकता भी बढ़ी है, और इसी के कारण हम देश में दुनिया में एक नंबर पे भी रहे हैं। जी, यानी सीधा सा ये मतलब हो जाता है कि वृद्धि हुई है, वृद्धि हर क्षेत्र में हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, सरकार जो है पशुपालकों हो या मछली पालन जो काम करते हैं उनकी बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड दे रही है, इस क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों के लिए कितनी राहत भरी बात है, किस तरह से ये आगे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं? मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी किसानों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान और पशुपालक ये दो में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें दो विभाग हैं, किसान हैं और पशुपालक भी हैं, और पशुपालक हैं मगर किसान नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है ऐसे भी पशुपालक है, तो ये दो वर्ग इसमें आते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड ये हमारे देश में पहले से ही एक व्यवस्था होती थी, उसको बैंक से भारत सरकार के सहयोग से 7% से ऋण उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है, उसमें उनको 3 लाख की लिमिट दी गई हुई है, फिर बाद में हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी कमेटी होती है, वो शाख तय करके किसानों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो मुहैया कराते हैं। प्रधानमंत्री जी जब 14 में बने उस समय ये किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए देश के किसानों को 8 लाख करोड़ रुपये मिल रहे थे ऋण के रूप में, 8 लाख करोड़। आज हम बात कर रहे हैं जब डीडी किसान के जरिए किसानों के साथ जी, तो ये फिगर आज का है 18 लाख करोड़। ये पिछले 9 सालों में हुआ है इतना बदलाव? 14 में 8 लाख था और ये 23 में 18 लाख करोड़ है, वहां तक इसको विकसित किया। और अभी आपको संज्ञान में होगा पिछले बजट में हमारे निर्मला सीतारमण जी ने जी, ये ऋण के लिए 20 लाख का टारगेट रखा है, 20 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का टारगेट रखने का मकसद यही था कि इसमें से 2 लाख करोड़ जो है वो 18 लाख करोड़ है वो किसानों के लिए हैं, मगर 2 लाख करोड़ जो है वो पशुपालकों को और फिशरमैनों के लिए है। आज़ादी के बाद देश के पशुपालकों को और देश के मछुआरे समाज को
सबसे बड़ी गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किसान क्रेडिट कार्ड देने की है। ये अधिकार दिया कि इनको भी ऋण मिल सकता है, किसान को जैसे ऋण मिल सकता है ऐसे उसी तर्ज पर ही पशुपालकों को भी मिलेगा। पशुपालक को भी 7% से बैंक देगी और वो समय पर भुगतान कर देगा तो 3% भारत सरकार जमा करा देगी, तो उनको तो सिर्फ 4% से मिलेगा। और कई प्रांत है ऐसे, मैं आपको बताऊं, मैं गुजरात से हूं तो मुझे गुजरात का पता है कि वहां वो 4% गुजरात सरकार दे देती है, तो किसानों को और पशुपालकों को 0% से ऋण मिलता है। ये मैं मानता हूं कि आजादी के बाद ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरे समाज को 0% से भारत सरकार के मोदी जी के कारण ऋण मिल रहा है जी। अब सर एक आखिरी सवाल होगा छोटा सा, कि डेयरी फार्मिंग की आप बात कर रहे थे और हम एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही साफ है जी। जैसे कि अब हम हमारी पर पशु जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना चाहते हैं, जो अभी 2.5-3 लीटर पे हैं, हम इसको डबल करने की कोशिश में लगे हुए हैं जी। और ये हम मानते हैं कि ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट के जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसके जरिए उसी को भी हासिल करने में हम आगे चल के कामयाब हो जाएंगे जी, जी। डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमने डेयरी डेवलपमेंट फंड की एक रचना की है, जिसके जरिए हम डेयरी को प्रस्थापित करने में, प्रोसेसिंग को अपग्रेड करने में सहायता कर रहे हैं और इनका एरिया बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं पूरे देश में। इसको कवरेज, कोऑपरेटिव का कवरेज बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं कि जिसके जरिए ये सारा एक इकट्ठा हो जाए और किसानों को उसके सही दाम भी मिल सके और देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने का काम भी इसके जरिए हम कर रहे हैं जी। जी रूपाला जी, आपके कंधों पर महत्वपूर्ण कार्यभार है और मनसा बिल्कुल साफ है। आपने कहा कि रोड मैप बिल्कुल साफ है, रणनीति बिल्कुल साफ है और आने वाले कुछ समय में जो करना है वो तय है, उसके लिए बिल्कुल तैयार है आप। बिल्कुल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे और सवाल लेंगे। नमस्कार।